चीजें ले सकते हैं आप, या तो रिश्ते ले सकते हैं या उन रिश्तों को बेच के आप कुछ ले सकते हैं। तो मेरे जीवन में ऐसे कई वक्त आए, पॉलिटिक्स में आया है, कई जगह में आया, जहाँ मुझे चीज़ें बेचनी करनी थी, तो मैंने कहा कि भाई मैं रिश्ता नहीं बेचूंगा। लेकिन मैंने रिश्ते बिकते हुए देखे, बाकायदा अपने रिश्ते को, मैंने खुद के रिश्ते को बेचते हुए आदमी को देखा। कष्ट होता है बहुत ज़्यादा। मुझे याद है कि मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी 23 दिसंबर को, और जैसा कि तरुण बता रहा है कि मैरिज एनिवर्सरी का हमारे एक वो है कि सारे दोस्त आ गए, बचपन के सब दोस्त आ गए। तो मेरे एक बचपन के दोस्त, नाम तो क्या लूँ, आप पहचान जाएंगी, वो भी सपत्नी का है। तब ये बातचीत, वो अकेला ही था उस दिन, और कोई आया नहीं था, या जा चुके थे, हाँ जा चुके, दो लोग जा चुके थे, वही बचा था, हम खाना खा रहे थे। तो मैंने उससे पूछा कि यार ये झगड़ा हो क्यों रहा है हम में, अब पहले तो नहीं होता था, किसी भी बात पे आंदोलन करते थे तब भी नहीं होता था, पार्टी बनाई तब भी नहीं होता था, पहली सरकार आई तब भी नहीं होता था, अभी ऐसा क्यों होने लगा है कि हमारे विचार अलग अलग होने लगे हैं और इतना बढ़ने लगा है कि बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो उसने मुझसे पूछा कि तू बता क्यों होने लगा है। तो मैंने उसको कहा, ऐसे जैसे ये रखा है, ऐसे मोबाइल रखा हुआ था, तो मैंने मोबाइल उठा के ये कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम दोनों के पास ताकत है, तो तुमने ये चीज़ उठा ली और ये कह दिया कि नहीं देते, मेरी है ताकत है। तो वो खाना खाते खाते बोला, यही समझ ले। तो मेरी पत्नी जो है वो खीर खा रही थी, उसकी चम्मच आधे रास्ते में रह गई, उसकी वाइफ भी सामने बैठी थी। तो मेरी वाइफ ने कहा कि भैया ताकत, पर ताकत तो सदा नहीं रहती। तो उसने खाते खाते बोला, पर भाभी जी अभी तो है। जैसे उसने बोलने की कोशिश की, मेरी पत्नी, मैंने कहा शांत, शट अप, कोई बात नहीं, खाओ खीर खाओ, बहुत सही कह रहे हो तुम। फिर मैं बाहर छोड़ने गया, मैंने अपनी पत्नी से कहा ये आखिरी मुलाकात है। उसने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप दोनों को नाराजगी है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा नहीं, 40 साल 45 साल पुराना रिश्ता, पहली बार का, पहली क्लास का, वो आदमी कह रहा है कि अभी तो है ताकत। तो मुझे लगा कि ये क्या है, तो मुझे लगा कि वो जो है साहिर का, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, अगर इस रिश्ते का सौदा करके दूसरी किसी पार्टी में जाके कुछ कर भी लिया जाए, कुछ और करा जाए, तो उससे फ़ायदा क्या होगा, मनुष्यता का क्या फ़ायदा होगा, मेरा क्या फ़ायदा होगा, कवि कुमार विश्वास को क्या मिलेगा, इन्हें क्या नुकसान होगा। तो मैंने कहा तुम्हारी तुम जानो भाई, ईश्वर जाने तुम्हारी, मैं अपनी जानूँ। तो हम ट्रांजिशन पीरियड के लोग हैं, संक्रांति काल के, ना तो नए बचे हैं ना पुराने बचे हैं, और संक्रांति काल के जो लोग हैं उन पर ज़्यादा प्रेशर होता है। दो पाइप जहाँ जुड़ते हैं उसके बीच में जो वाल्व आता है ना, उस पर सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है, बाकी दोनों पाइप में तो आराम से बहता रहता है। तो 70 से पहले का जो पाइप था, जिसमें रिश्ते ही रिश्ते हुआ करते थे, वो एक स्मूथ था। अब उसके बाद ये 90-2000 के बाद का जो पाइप है, जिसमें रिश्ता है ही नहीं, पैसा, ताकत, ताकत ये सब रिश्ता है, PR जिसे कहते हैं, है ना, दलाल जो हैं वो डिजास्टर मैनेजर्स कहलाने लगे हैं।